हाय गाइस, वेलकम टू मौसमी किचन। मौसमी किचन में आप सबका स्वागत है। तिल के लड्डू तो आप सभी ने खाए होंगे, लेकिन इसी तिल को कुछ अलग शेप और वैरायटी दूंगी। तो नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए तिल रोल की इस रेसिपी को बनाते हैं। मैंने यहाँ एक टेबलस्पून घी, एक कटोरी तिल, हाफ कप भुने हुए बादाम, एक कप गुड़ ली है। एक कढ़ाई को मैंने गैस पर चढ़ा दिया है, तिल को भून लूंगी। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। मकर संक्रांति के इस अवसर पर हम सभी तिल को खाते हैं। तिल से बनी ये डिश थोड़ी अलग है, पर टेस्ट में सेम ही होगी। मैंने यहाँ काले तिल को लिया है, आप चाहें तो सफ़ेद तिल भी यूज़ कर सकते हैं। तिल की फटने की आवाज़ सुनाई दे रही है, देखिए एक अच्छी स्मेल भी आ रही है। गैस को ऑफ कर दूंगी। थोड़े से तिल को ग्राइंडर जार में पीस लूंगी। एक चौथाई तिल को कढ़ाई पर रख कर बाकी के तिल को पीस लिया है। एक दूसरे पैन को बैठा दूंगी गैस पर। एक टेबलस्पून घी को पैन पर दे दूंगी। ठंड में घी सख्त रहती है, तो इसे गल जाने तक रुकना है हमें। घी गल चुकी है तो एक कप गुड़ को भी डाल दूंगी और इसे भी गल जाने तक हिलाते रहना है। गैस को मैंने मीडियम फ्लेम पर रखा है। अब गैस के फ्लेम को धीमा कर दूंगी, नहीं तो गुड़ जल जाएगी। कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है हमें। गुड़ तो ऐसे अपने में ही गुणवान होती है, सर्दियों के मौसम में गुड़ का सेवन हमें जरूर ही करना चाहिए। बहुत रोगों से ये मुक्त करती है, इसलिए बहुत सी डिशेस बनती है गुड़ की इस मौसम में। गुड़ की कलर देखिए, थोड़ी लाल रंग की हो गई है। हमारी गुड़ पक चुकी है। अब मैं आपको एक टेक्निक दिखाती हूँ। देखिए कर्चे को गुड़ से ऊपर उठाइए और देखिए इसकी एक तार बनी है, एक हल्की सी लेयर है। बिना टच किए और पानी में मिलाए ही आप गुड़ की स्टिकीनेस देख सकते हैं। अब भुने हुए बादाम को डाल दूंगी और मिक्स कर लेना है अच्छे से। फिर पिसे हुए तिल को भी दे दूंगी और अच्छे से मिक्स कर लूंगी। फिर दाने वाले तिल को भी दे दूंगी, इसे भी मिक्स कर लेना है अच्छे से। कुछ अलग टेस्ट आएगी इस मिठाई की जब दानेदार तिल, पिसी तिल और गुड़ की मिठास मुंह में घुल जाएगी। मैंने इसे थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाई है, आप ज़्यादा लीजिए अपने हिसाब से। अब गैस को ऑफ कर देना है और इस मिक्सचर को उतार लेना है अलग बर्तन पर, नहीं तो ठंड होने से ये चिपक जाएगी पैन पे। एक अलग प्लेट पर मिक्सचर को ले लूंगी, कर्चे में लगी इस मिश्रण को भी निकाल लूंगी। जितना जल्दी हो सके हमें इन्हें शेप में देना है। हाथों में लेकर लड्डू बना लें, फिर ओवल का शेप दें। ये बहुत ही गर्म है, मेरे हाथों को लग रही है। चम्मच से थोड़ा ठंडा कर लूंगी। अब इसे फैलाकर थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। अब एक साथ समेट कर एक डो बना लेनी है। ये देखिए, हाथों में थोड़े हिस्से को लेकर उंगलियों से प्रेशर देकर रोल का शेप देना है। ये काम हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ही करना है, नहीं तो ठंड होने पर ये मिश्रण कोई शेप नहीं ले पाएगी। आप अपने हिसाब से जैसा मन चाहे वैसा शेप दे सकते हैं। मैंने कुछ अलग करने के लिए ही इसे रोल का शेप दिया है। ये देखिए, हाथों में लेकर अच्छे से रोल बना ली है। सुंदर दिख रही है।
बहुत जल्दबाजी में ही हमें करना है इसे। ये देखिए मैंने पूरे मिश्रण की रोल बना ली है, थोड़ी और सुंदर दिखे इसलिए साइड के पोर्शन को कट कर दूंगी। ये काम भी हमें जल्दी में करना है नहीं तो और सख्त हो जाएगी। बिना काटे भी आप इन्हें सर्व कर सकते हैं, मैं तो बस सुंदर दिखने को इसे काट रही हूँ। मैंने इस मिश्रण में मूंगफली दी है, आप चाहे तो कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। तिल और गुड़ अपने में ही भरपूर होती है, बस मूंगफली थोड़ी क्रंचीनेस लाएगी। रोल को मैंने ज़्यादा छोटा नहीं किया है, मुंह में डालने पर दो बाइट में ख़त्म हो जाए तो मज़ा नहीं आएगी, इसलिए थोड़ी सी साइज बड़ी रखी है। तो देखिए मैंने सभी को कट करके एक साइज में ही रखी है। मैंने इन्हें सर्व कर दिया है, एक को तोड़कर दिखाती हूँ आपको कितनी करारी बनी है। देखिए अंदर से भी लुभा रही है, दिखने में शानदार लग रही है और खाने में इतनी ही मज़ेदार होगी। तो आप भी इस मकर संक्रांति में तिल की मिठाई को इसी तरह से बनाइए और सभी को खिलाइए। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अपने व्यूज कमेंट कीजिए। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। नई इजी और हेल्दी रेसिपीज लेकर जल्द मिलेंगे।